फिर नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार SSC 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। सारे प्यारे बच्चे एक बार जल्दी से लाइव आ जाइएगा। हम बहुत ही अच्छी तरीके से शानदार से सेशन की शुरुआत करेंगे, जिसमें आप लोगों ने ऊपर देखा भी होगा थंबनेल पर कि आपको 30 नंबर का वादा मैंने किया है। बेटा, इस क्लास को कराने के बाद आपको 30 नंबर मिलेंगे, ये आपसे मेरा वादा रहा। तो चलो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन और शानदार से सेशन की। क्या आप सब लोग तैयार हैं? मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है बच्चों आपको? आप सभी को ऑडियो वीडियो इस समय क्लियर आ रही है? कोई ऐसा बच्चों तो नहीं जिसे ऑडियो वीडियो ना रही हो? क्लियर है सब कुछ? चलें तो प्यारे साथियों, आज आप सभी को पता है कि जीडी का पहला एग्जाम है और जीडी के इस पहले एग्जाम के बाद हमारी पूरी टीम आप सभी के लिए लेकर आ रही है एग्जाम एनालिसिस 9:45 पर। तो आपको वो भी ध्यान रखना कि गुरुजी आज सुबह 9:45 पर हम लोग लाइव रहेंगे, ठीक है? तो बच्चों, आज तो बातचीत करने का कोई मौका है ही नहीं, ना टाइम है बातचीत करने का। सीधा आइए और क्वेश्चन चलते हैं रैपिड फायर। 1 घंटे में लगभग 125 क्वेश्चन कराने हैं, क्योंकि जहां से मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा, थंबनेल पर मैंने क्या क्या लिखा है दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, मैंने लिखा है लोक नृत्य त्योहार जनगणना दिवस थीम झील बंदरगाह पुस्तक लेखक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भारत का अपवाह तंत्र संसद अनुच्छेद अनुसूची भारत के पड़ोसी देश और नदी के किनारे बसे शेर सामान्य नाम वैज्ञानिक नाम खोज आविष्कार और कृषि, ये टॉपिक मैंने आप सबके लिए लिखे हैं। तो दोस्तों आज हो जाइएगा तैयार, पेटी कस लीजिएगा और बच्चों स्टार्ट। कोई बातचीत बिल्कुल कुछ नहीं। जो बच्चा नया जुड़ा हो, बस आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि क्या आप सब बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब किया? जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं, क्या आप सब बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब किया? अगर ना किया हो तो एक बार मेरे कहने से फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखो पहला क्वेश्चन कितना खतरनाक लेकर आया हूं, सारे बच्चे इसका जवाब दे दोगे, गए तो गुरुजी रिवीजन हो गया। और मैं आज बहुत तेज चलने वाला हूं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? सर 1872 में हुई। और बच्चों ये भी ध्यान रखिएगा, मैं तेज चलूंगा, बस आज बहुत तेज चलने वाला हूं। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत में पहली बार जनगणना किसके काल में हुई? आप भी फटाफट आंसर दीजिए कि आप कितने क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। ये देखो बेटा, जो बच्चा आज एग्जाम देने जा रहा है, इन 150 क्वेश्चन की पीडीएफ पढ़ लेना एक बार। आपको कम से कम यहां से बता रहा हूं बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। भैया लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी पहली। अगला देखिए, आपको बताना है कि क्रमवार यानी कि हर 10 साल में जनगणना होगी, ये कब कहा गया था? हर 10 साल में भारत में जनगणना होगी, ये किस जनगणना के दौरान कहा गया था? तो ये 1881 में कहा गया था, जब लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान हमारे भारत में जनगणना हुई थी। बातचीत बिल्कुल कम। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या की भागीदारी क्या है? तो हमारी भागीदारी थी लगभग 17.5%। बेटा हमारी भागीदारी 17.5%। जो डर गया वो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत प्यारी लाइन है, जो डर गया वो गया, है ना। मर गया मैं यूज नहीं कर सकता, जो डर गया वो गया। आप लोग जवाब दीजिएगा कितना कर सकते हो, कम से कम ये तो देखो, आप आज कर कितना सकते हो, आप ये तो देख लो ना, तैयारी कैसी है। पीडीएफ तो मैं दे दूंगा क्लास खत्म होने के बाद। अगला देखिए, टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगला देखो, भारत में किस देश के बराबर जनसंख्या की वृद्धि हो रही है? भैया जितनी जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया के है, इतनी तो हमारे भारत में हर साल वृद्धि हो रही है, ठीक है। अगला देखो, 12 सवाल कराऊंगा इस टॉपिक के, 13 सॉरी। आपको बताना है कि इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? तब आप लोगों का जवाब आ जाएगा, सर ये कहा जाता है 1921 को। नेक्स्ट देखिएगा, आपको बताना है कि कौन सी जनगणना हुई है आपकी 2011 में? ये कौन सी जनगणना हुई है? तो बच्चों आप लोगों का जवाब आ जाएगा, सर ये हुई थी 15वीं, ये हुई थी 15वीं, आजादी के बाद हो चुकी है 7। अगला देखो, आपको बताना है कितने वर्ष पे जनगणना की जाती है? तो बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है इस सवाल की बताने की। बेटा आपका आंसर आ गया 10 वर्ष। अगला देखो, तीन बड़े राज्य जिनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा हो, फिर उससे कम हो। तो तीन बड़े राज्य जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश अब ना तो इसमें है ना इसमें है पहले नंबर पर। उत्तर प्रदेश के बाद में बेटा महाराष्ट्र आता है, तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अब बताओ छोटे तीन राज्य है, ये सवाल आप लोगों ने किए तो जरा जवाब दो।
अगर आप लोग पहले से इन सवालों के जवाब जानते हैं तो जवाब दो बेटा। उत्तर प्रदेश में तीन छोटे राज्यों का सही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश में तीन छोटे राज्यों का सही क्रम क्या है? अरे हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटा सिक्किम है, तो बात खत्म। मुझे अगले पर जाने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे अगले पर जाने की जरूरत ही नहीं थी भैया। अगला देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? सर जी आपका यह है दिल्ली। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? सर इसका आंसर आ जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट देखिए, उड़ीसा में लिंगराज मंदिर किसने बनवाया था? 10 सवाल मंदिर के कर लो जरा एक बार। उड़ीसा में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था जरा बताओ। तो दोस्तों जाने से पहले इन पूरी पीडीएफ को पढ़कर जाना, बहुत मदद मिलेगी आपको यहाँ। तो भैया आपका जवाब आ जाएगा, सर ये करवाया था गंग शासकों ने। कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? आज तो रैपिड फायर से भी बड़ा रैपिड फायर चल रहा है, आज तो रैपिड फायर से भी बड़ा रैपिड फायर है दोस्तों। कैलाश मंदिर भारत के किस राज्य में है? अगर मैं कैलाश मंदिर की बात करता हूं तो ये महाराष्ट्र में है। कुछ बच्चे कहेंगे गुरु जी ये वाले क्वेश्चन तो मैंने बहुत सारे पढ़े हुए। बेटा मैंने कहा है कि रिवीजन करवा दूंगा पूरी उन सेशन का जो मैंने आपको पढ़ा रखा है। चलिए तो सवाल नंबर फर्स्ट, नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ है? जो ना बता पाए मैं हाथ जोड़ के कहूंगा क्लास से चला जाए। जो बच्चा इस सवाल का जवाब न दे पाए मैं हाथ जोड़ के उससे कहूंगा कि आप घर चले जाओ और सो जाओ, बाद में आना क्लास के बाद, कल आना फिर। इस सवाल का जवाब मैं 20 सेकंड आपको दे रहा हूं। नीलकंठ महादेव का मंदिर कहां है? नई जानकारी है? चलो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए नीलकंठ महादेव का मंदिर पूछ रहा हो, केदारनाथ पूछ रहा हो या बद्रीनाथ पूछ रहा हो, ये उत्तर प्रदेश के छोटे भाई उत्तराखंड के यहां है। उत्तर प्रदेश का छोटा भाई मैंने क्यों बोला, क्योंकि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, बताओ मेरे प्यारे साथियों, उड़ीसा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गुरुजी ये तो हमने नहीं पढ़ा है, हमने तो ये पढ़ा है कि उड़ीसा में कोणार्क में सूर्य मंदिर है, लेकिन हमने गुरुजी ये नहीं पढ़ा इसे बनवाया किसने है, यही क्लियर करना था बच्चों। तो इसे बनवाने वाले थे नरसिंह देव प्रथम। नेक्स्ट देखिए, लोटस टेम्पल कहाँ है? अगर मैं लोटस टेम्पल की बात करूं तो ये किसी राज्य में नहीं है, अगर मैं लोटस टेम्पल की बात करूं तो ये किसी राज्य में नहीं है बेटा, ये यूनियन टेरिटरी में है। और यूनियन टेरिटरी कौन सी? भारत की राजधानी दिल्ली में है। कहां पर है भैया? भारत की राजधानी दिल्ली में। बाबा वैद्यनाथ का मंदिर कहां है? बाबा वैद्यनाथ का मंदिर किस राज्य में है ये आपने बताना है। सर जी वैद्यनाथ का मंदिर आपका झारखंड में है। कहां पर है भैया? झारखंड में। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट कहता है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बोलो बेटा किसके द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण? तो सर आपका जवाब आएगा राजा भोज के द्वारा। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? देखो ये तो सब लोगों को पता है कि जगन्नाथ पुरी का मंदिर आप लोगों ने बता दिया सर उड़ीसा में है, लेकिन अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया किसने बनवाया था तब वहां दिक्कत आ जाएगी ना, तब वहां पर दिक्कत आ जाएगी दोस्तों। अनंत वर्मन देव जी ने करवाया था। नेक्स्ट देखिए, वृद्धेश्वर का मंदिर भारत के किस राज्य में? मैं हर टॉपिक का आपको सवाल करवाऊंगा, हर तरीके का सवाल करवाऊंगा। वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण भारत के किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों वृद्धेश्वर मंदिर आपके तंजौर में है। नेक्स्ट आपको बताना है प्यारे साथी, ओमकारेश्वर मंदिर किस राज्य में है? ओमकारेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तैयारी का आकलन कर लो, बेशक चाहे आप किसी कॉलेज के बाहर बैठे हैं या किसी इंस्टीट्यूट के बाहर बैठे हैं, बच्चों इन पूरे क्वेश्चनों का रिवीजन करके जाना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट। आपका बड़ा भाई हूं इसलिए आपसे कह भी रहा हूं कि बच्चों इनको जरूर करके जाइएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, लिंगराज मंदिर कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, लेकिन यहां सवाल पूछा कि लिंगराज मंदिर कहाँ है। अगर सवाल पूछ रहा है लिंगराज मंदिर कहाँ है तो आपका जवाब आएगा सर उड़ीसा में है। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, अमरनाथ मंदिर भारत के किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में है? अमरनाथ मंदिर जिसे तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है ये कहां पर है? सर जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर भारत का राज्य नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है। अब जो बच्चे बाहर बैठे देख लेना यहां से कितनी मदद मिलेगी। तमिलनाडु के कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
तो भैया इस मंदिर का जो निर्माण कराया गया था वो महेंद्र वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट, छऊ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, आप लोगों ने हमेशा मेरी बात मानी, हमेशा, ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं बोलूं और आपने ना माना हो। लेकिन आज आपसे एक बात बोल रहा हूं, शायद मानेंगे नहीं मानेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग हमेशा मुझे अपने बड़े भाई जैसा प्यार देते हैं, आप लोगों ने हमेशा ही अड्डा 24/7 उसमें SSC अड्डा 24/7 को आप लोगों ने अपना फैमिली का हिस्सा माना है। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है बच्चों, सलेक्शन हो जाए तो यहाँ पर जरूर आइएगा, मैं आप सबका इंतजार कर रहा हूँ। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं एक मिनट का समय आपको दे रहा हूँ। अब ये मत कहना कि गुरुजी हमने किया हुआ है, लेकिन आप अपने भाई के लिए करोगे इस काम को, मैं ये जानता हूँ। और मैं जानता हूँ कि आप मुझे निराश नहीं होने दोगे। आने वाली एक मिनट में जितने बच्चे देख रहे हैं उतने ही बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, ऐसा आपके बड़े भाई पवन मोरल को आप पर विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप लोग। एक बच्चे का कमेंट है कि सर अगर तैयारी अच्छी ना हो तो क्या एग्जाम देने नहीं जाना चाहिए? मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको एग्जाम देने जाना चाहिए। उससे क्या है, मान लो आपकी तैयारी अच्छी भी नहीं है, कम से कम आपको अनुभव तो हो जाएगा कि पेपर इस तरीके का आता है। कोई बात नहीं, आप लोगों ने नहीं मानी मेरी बात, छोड़ दो, कोई बात नहीं। आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखो। खेल गोपाल, कली गोपाल, बिहू, रंगोली बिहू, भगोली बिहू, ये भारत के एक राज्य में होते हैं। खेल गोपाल, कली गोपाल, रंगोली बिहू, भगोली बिहू, ये भारत के एक राज्य में होते हैं और वो राज्य का नाम है बेटा आपका असम। यहीं पर सबसे ज्यादा चाय भी होती है। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट 16, इसे सैला बोलते हैं बेटा। सैला भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मणिपुर या मेघालय? नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे आप में तो बहुत बच्चा। तो और छत्तीसगढ़ का ये को डांस बेटा पांडवानी, 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 ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, दमाली भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? दमाली, दमाली भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? जवाब दिया जाए। पता है कल मैं क्लास लेने नहीं आया, मेरी तबीयत खराब थी। बच्चों ने पर्सनली कमेंट, चाहे इंस्टाग्राम हो या फिर आपका टेलीग्राम हो, गुरुजी प्लीज दो दिन क्लास ले लो, प्लीज दो दिन क्लास ले लो। जबकि ये क्लास मैंने दो दिन पहले शेड्यूल कराई हुई थी, मेरी हिम्मत ही नहीं थी कल आने की, बहुत तेज फीवर था। आज भी आया हूँ, मन की नहीं यार आज तो मैं जाऊँगा, चाहे आंधी तूफान उग सकती है लेकिन पवन मोरल मेरे भाइयों से ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, है ना। तो बच्चों घबराओ मत बिल्कुल भी, मैं आप सबके समक्ष हूँ। जब तक एग्जाम आया आपका आज भी और जब तक खत्म होगा 12 मार्च तक, मैं आप सब लोगों के साथ लगा रहूंगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। घबराना मत बच्चों, घबराते वो हैं जिनका कोई नहीं होता, और तुम्हारे लिए तो SSC अड्डा 24/7 दिन रात खड़ा है। चलो तो दोस्तों सवाल है, दमाली किस राज्य या यूनियन टेरिटरी का है? ये जम्मू कश्मीर का लिख लीजिएगा, यूनियन टेरिटरी है अभी, अब स्टेट के साथ नहीं, अब यूनियन टेरिटरी है। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, झकोलिया भारत के किस राज्य का लोक नृत्य? झकोलिया, अगर मैं झकोलिया की बात करता हूं दोस्तों, झकोलिया किस राज्य से जुड़ा है? तो झकोलिया जुड़ा है गुजरात से, झकोलिया जुड़ा गुजरात से। नेक्स्ट, तेरा ताली किस राज्य से जुड़ा है? मैं तेज चल रहा हूं बेटा आज, बुरा मत मानना और ना मुझ पर गुस्से होना, गुरुजी तेज क्यों चल रहे हो, इसीलिए चल रहा हूं बेटा, समय नहीं है। नेक्स्ट देखो, नवरानी चेत ये भारत के किस राज्य का होने वाला लोक नृत्य है? नवरानी चेत बेटा आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कली गोपाल, मैंने अभी आपको बताया, कली गोपाल, खेल गोपाल, रंगोली बिहू, भगोली बिहू, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके असम में होते हैं बेटा सारे डांस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कुमाऊनी, आप इस सवाल का जवाब दीजिए, मैं 20 सेकंड वेट करूंगा। कुमाऊनी भारत के किस राज्य में होने वाला एक लोक नृत्य है? कुमाऊनी भारत के किस राज्य में होने वाला एक लोक नृत्य है, ये आपने बताना है। अगर मैं कुमाऊनी की बात करता हूं दोस्तों, कुमाऊनी आपके उत्तराखंड में होता है, कहां पर होता है? उत्तराखंड में होता है। नेक्स्ट देखिए, कर्मा भारत के किस, देखिए कर्मा ऐसे भी लिखा जाता है और कई जगह आपको ऐसे भी देखने के लिए मिलेगा कर्मा, तो घबरा मत जाना, ये एक ही कर्मा है। ये किस राज्य में होता है? तो बेटा ये आपको उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, चाकरी भारत के किस राज्य में होने वाला एक लोक नृत्य है? मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य को पढ़कर जाना, क्वेश्चन आएगा दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राजस्थान। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है बांस नृत्य, ये भारत के किस राज्य में होने वाला एक लोक नृत्य है? अगर मैं नृत्यों की बात करूं दोस्तों, आप लोग इतने कर लो काफी है,
इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको लेकर चलूंगा ओलंपिक खेलों की तरफ, मैं आपको लेकर चलूंगा बच्चों ओलंपिक खेलों की तरफ, ओलंपिक खेलों की तरफ लेकर चलूंगा। हर टॉपिक के आठ आठ सात सात सवाल कराऊंगा बेटा, और आप लोगों की तैयारी में चार चांद लगवाऊंगा, ठीक है। देखो भैया सवाल आ जाओ जरा यहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। बेटा ये सवाल ऐसे भी आ जाता है, कहीं लिखा हुआ, परेशान मत होना कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते। दरअसल में क्या था, ये 2020 में होना था लेकिन कोविड की वजह से 20 में नहीं हो पाया, ये 21 में हुआ। आप लोगों को याद रखना कि हमने जो पदक जीते 1-2 का 4, 4-2 का 1, मेरा नाम है पवन। बच्चों ध्यान रखिएगा, मैंने बोला 1-2 का 4, 4-2 का 1, मेरा नाम है पवन। ध्यान से सुनो, मैंने कुछ लिखा है 1-2 का 4, 4-2 का 1, मेरा नाम है पवन, यानी कि हमने टोटल मेडल जीते थे 7, उन 7 में गोल्ड मेडल जीता था 1, और भैया उसने क्या पूछा है, उसने पूछा ब्रॉन्ज मेडल, सर ये जीते थे हमने 4, 2 जीते थे सिल्वर। चलो भैया अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है अभिनव बिंद्रा के बाद निम्नलिखित में से कौन वो व्यक्ति है जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक लेकर आया व्यक्तिगत स्पर्धा में, प्रतिस्पर्धा में। तो दोस्तों वो है अपने नीरज चोपड़ा जी। वो कौन है नीरज चोपड़ा, क्योंकि गोल्ड मेडल मिला ही एक, एक कह रहा अंकित गुप्ता गुरुजी कट ऑफ कितने पे जा सकती है, मेरे बच्चे पढ़ ले मेरे भाई मेरे लाल, कट ऑफ को छोड़ दे, अगले पर आ जाओ। अगला सवाल है ओलंपिक में जो 5 छल्ले होते हैं वो किसका प्रतीक होते हैं, दुनिया के जो 5 महाद्वीप है उनका, वैसे तो 7 है, 8वां भी खोज लिया लेकिन वहां पे 5 को रखा है। अगला देखिए, अगला है मीराबाई चानू किस खेल से जुड़ी हुई है, मीराबाई चानू, क्योंकि बेटा ये जो क्वेश्चन बनाए ना बहुत, एक कहते हैं ना कि कई लोगों की टीम बिठाकर जब इन क्वेश्चनों को बनाया गया। मीराबाई चानू मेरे प्यारे साथियों ये रेसलिंग से जुड़ी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल है कि किस वर्ष भारत ने हॉकी में पहला गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों पहला गोल्ड मेडल हॉकी में भारत की तरफ से जीता गया था 1928 में, कब जीता गया था 1928 में। अगला देखिए, टोक्यो ओलंपिक ने भारत में कुल कितने सिल्वर मेडल जीते, अरे दोस्तों 1-2 का 4, 4-2 का 1, मेरा नाम है पवन, और बच्चों ये रहे इनके सिल्वर मेडल, 1 जीता गोल्ड मेडल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल आपको बताना कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा देश पदक तालिका में पहले नंबर पर रहा। यार आप लोग जवाब तो दो कम से कम, गलत होंगे देखे जाएंगे, लेकिन आप पहले ही हार मान जाओगे तो मेरा पढ़ाने का फायदा क्या होगा, पता है बच्चों जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपसे ज्यादा हमें खुशी होती है। आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि तो तुमसे ज्यादा हमें खुशी होगी। कल जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी पुलिस का जो पेपर था वो कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से 60,000 बच्चों का सपना टूट गया। उनमें 60,000 का ही सपना नहीं टूटा है, 60,000 शिक्षकों का भी सपना टूटा है। चाहे शिक्षक के रूप में वो आपके माता पिता हों, चाहे शिक्षक के रूप में आप वो आपके अध्यापक हों जो आपको पढ़ा रहे हैं। मेरी वही लाइन है दोस्तों कि वक्त की वक्त से क्या हिदायत करूं, ये तो वक्त बेवक्त की बात होती है, न वक्त रहा न वक्त की वो बात रही। पैसा ना हो तो अपने बदल जाते हैं, और पैसा पास होता है तो पराए भी अपने हो जाते हैं। दोस्तों कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो पेड बैच नहीं ले पाए, वो YouTube के जरिए पढ़े, मेरी सुबह 6 बजे उन्होंने क्लास की, और टीचर भी पढ़ाते हैं हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं उन सब की क्लास की। वो बच्चा 800 रुपए का बैच नहीं ले पाया, ध्यान से सुनना, एक बच्चा तमिलनाडु का रहने वाला है, वो 800 रुपए का मेरा बैच नहीं ले पाया, मुझसे बोला गुरुजी कुछ फीस मंदी कर दो, मैंने ठीक है, मैंने उसकी फीस 700 रुपए कर दूं, बोला 500 कर दो, मैंने ठीक है, मैंने उसके 500 रुपए उससे लिए, 300 मैंने उसे खुद दिए, वो उसे पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब वो आया पेपर देने के लिए तो उसने कम से कम 2,000 रुपए अपने किराए में लगाए होंगे, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बच्चों आपको, सिर्फ उसने 2,000 रुपए किराए में लगाए होंगे। जो बच्चा 500 रुपए नहीं दे पा रहा था वो 2,000 रुपए किराए में लगा के आया यहाँ पर, आपका यहाँ पेपर आउट हो गया, वो क्या दोबारा पेपर देने आएगा, वो पेपर देने आएगा। तो दोस्तों मैं कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर बड़ा नाराज हूं कि ये जो भी हुआ है प्रदेश में वो बहुत गलत हुआ है, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, बताओ।
वर्तमान में ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? आप सच बता दो, पूरे YouTube पे आप जहां भी पढ़ते होंगे किसी ना किसी टीचर सर से मैम से आप लोग पढ़ते होंगे, आप लोगों के कहने पर मैंने सुबह 6 बजे YouTube पर थ्योरी पढ़ाई, आप लोगों के कहने पर मैंने सुबह 6 बजे YouTube पे थ्योरी पढ़ाई। सच बोलो, पढ़ाई थ्योरी नहीं पढ़ाई? आपने कहा कि गुरुजी हमें थ्योरी पढ़ाओ, तो मैंने थ्योरी पढ़ाई तुम्हारे लिए। उसके बावजूद भी अब मुझे ये देखने के लिए मिल रहा है कि यार गुरुजी पेपर कहां से दें, आंसर तो पहले ही आ रखे थे। तो भैया ये है आपके थॉमस वॉच। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत में ओलंपिक खेलों में सबसे पहले कब भाग लिया गया था? तो भैया भाग लिया गया था एक साल बाद, भारत ने ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? 1928। अगला देखो, ये आप लोग बताए देंगे, चर्चा में रही अदिति किस खेल से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों ये जुड़ी है गोल्फ से। नेक्स्ट, 2020 में टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? मैं फिर से बता रहा हूँ, घबरा मत जाना, ये 2020 भी लिख सकता है और 2011 भी लिखा जाए, 2021 भी, क्योंकि होने 2020 में थे लेकिन हुए कब? 2021 में, ठीक है, कोविड की वजह से। नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक में महिलाओं ने कब भाग लेना शुरू किया था? तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, सर 1900 में भाग लेना शुरू किया था। वर्तमान में हॉकी टीम की कप्तान कौन है? वर्तमान में हॉकी टीम की कप्तान कौन है? भैया इस सवाल का जवाब देना, किसी को पता हो तो, ये चेंज हो गई है। अब आ जाओ कुछ महत्वपूर्ण किताबों पर, अब आ जाओ बच्चों कुछ महत्वपूर्ण किताबों पर। पहली किताब आपके सामने लिखी है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है? आज ये संख्या मुझे 4000 पार करनी है दोस्तों, अब देखता हूं कि आप लोग इसमें साथ देते हो या नहीं देते हो। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है ये आपने बताना है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक इनमें से कौन सा है ये आपने बताना है। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक की बात की जाती है तो जितने लिख रहे हैं सब हर्षवर्धन द्वारा रचित हैं। अगला देखो, हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? तो भैया हर्ष चरित्र के जो लेखक थे वो थे आपके बाण भट्ट जी। अमर कोश के कौन थे? अमर सिंह। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अगला देखो, एक महान रोमानी नाटक है जिसका नाम है कादंबरी, इसके राइटर कौन है? भैया यार जवाब दो प्लीज, सारे बच्चे जवाब दो प्लीज। आप लोग अगर मुझे दिली मोहब्बत करते हैं, आप लोग मेरी क्लास को पसंद करते हैं तो प्लीज जवाब दीजिएगा। गलत हो रहा होने दो, कोई बात नहीं है, कोई आपको डांटने वाला नहीं है कि आपका गलत हो गया। तो भैया ये थे आपके बाण भट्ट जी। नेक्स्ट देखिए, पंचतंत्र के राइटर कौन है? पंचतंत्र, अगर मैं पंचतंत्र की बात करता हूं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पंचतंत्र के जो राइटर थे वो थे विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के जो राइटर है वो है विष्णु शर्मा। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, पुस्तक है जिसका नाम है कथा सरित सागर। एक पुस्तक है बच्चों जिसका नाम है कथा सरित सागर, इसे किसके द्वारा लिखा गया था? कथा सरित सागर को किसके द्वारा लिखा गया था? बोलो भैया, कथा सरित सागर को किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों ये लिखा गया था सोमदेव के द्वारा। देखो जिन बच्चों का जीडी का पेपर है अपना ध्यान मत भटकाना, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। जीडी वालों अपना ध्यान मत भटकाना कहीं भी, समझ रहे हो ना। अगला देखो, विक्रमाक देव चरित्र, बस आज आज के लिए अब ये सोच लो कि मेरा पेपर है, बस पेपर देकर आओ एक बार। तो भैया ये कौन थे सर जी? आपका जवाब आ जाएगा सर जी, विलहन। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? बाकी बच्चों नाट्य शास्त्र के रचयिता, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अच्छा कितने बच्चे ऐसे हैं जो सेंटर के बाहर बैठकर मुझे सुन रहे हैं? दोस्तों नाट्य शास्त्र के रचयिता थे भरत मुनि। कौन थे? भरत मुनि जी। अगला देखिए, मृच्छकटिकम के राइटर कौन है? तो भैया वो है सुद्रक। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल है, दस कुमार चरित्र अथवा दस राजकुमारों की कथा, इसे किसने लिखा है? दस कुमार चरित्र अथवा दस राजकुमारों की कथा, इसे किसके द्वारा लिखा गया है? तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा, सर दांडी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, हिस्टोरी का किताब को किसने लिखा है? हिस्टोरिका को किसने लिखा बच्चों, ये आपने बताना है। हो गया भैया,
हिस्ट्री का पुस्तक को किसने लिखा? तो इसे लिखा हेरोडोटस ने, इसी को द फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, इंडी का पुस्तक को किसने लिखा है? थोड़ा तेज चलिएगा। अगर मैं इंडी का पुस्तक की बात करता हूं तो इस पुस्तक को लिखने वाले कौन थे? इंडी का पुस्तक को लिखने वाले थे मैगस्थनीज, और मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 7 भागों में विभाजित किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया परमवीर जी। अगला देखिए, अर्थशास्त्र की रचना करने वाले कौन थे? अर्थशास्त्र की रचना करने वाले कौन थे? जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। अर्थशास्त्र के राइटर कौन थे? तो भैया अर्थशास्त्र के राइटर थे चाणक्य कह सकता है, कौटिल्य कह सकता है, विष्णुगुप्त कह सकता है। वो आपसे चाणक्य कह सकता है, वो आपसे कौटिल्य कह सकता है, और वो आपसे विष्णुगुप्त भी कह सकता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, मुद्रा राक्षस के राइटर कौन है? मुद्रा राक्षस के राइटर कौन है बच्चों, ये आपने बताना है। मुद्रा राक्षस के राइटर कौन है? भैया मुद्रा राक्षस के राइटर है विशाखा दत्त जी। कौन है? विशाखा दत्त। नेक्स्ट सवाल देखिए, अष्टाध्यायी के राइटर कौन है? ये सवाल पेपर में आ सकता है बच्चों, अष्टाध्यायी मुझे इंपोर्टेंट लग रहा है, ये आपके पेपर में आ सकता है। अष्टाध्यायी के राइटर कौन है? अगर मैं अष्टाध्यायी की बात करता हूं तो अष्टाध्यायी के हैं पाणिनी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, महाभाष्य के राइटर कौन है? अगर मैं महाभाष्य के राइटर की बात करता हूं तो ये है आपके भैया पतंजलि महोदय। नेक्स्ट देखिए, माल विकाग्नि मित्रम इसके राइटर कौन है भैया? जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। माल विकाग्नि मित्रम, तो भैया ध्यान रखिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं मेघदूत, मैं यहां पे लिख देता हूं ऋतु सहार, मैं यहां पे लिख देता हूं रघुवंशम, मैं यहां पे लिख देता हूं कुमार संभव, और मैं यहां पे लिख देता हूं माल विकाग्नि अभिज्ञान शाकुंतलम। इन सबके राइटर सिर्फ एक है कालिदास, और ऊपर लिखी मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है। आदि पुराण के राइटर कौन है बच्चों? आदि पुराण, तो गुरुजी आदि पुराण के राइटर है जिनसेन। कौन है? जिनसेन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मेघदूत के राइटर कौन है? अब जरा तुम ना बता पाओगे आंसर क्या मेघदूत का, अब तुम सच बताओ क्या मेघदूत का आंसर नहीं दे पाओगे कि मेघदूत के लेखक कौन है? इस सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे आप लोग? आपसे मैंने पूछा कि भैया मेघदूत के राइटर कौन थे, आप जवाब नहीं दे पाओगे कि भैया मेघदूत के जो राइटर हैं वो, अब ना जवाब दे पाओगे? सर जी वो कालिदास है। कौन है? कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। चरक संहिता को लिखने वाले कौन थे बच्चों, ये बताओ। चरक संहिता को लिखने वाले कौन थे, आप जवाब नहीं दे पाओगे? सर जी चरक संहिता को लिखने वाले थे चरक। नेक्स्ट देखिए, मिताक्षरा पुस्तक को लिखने वाले कौन है? मिताक्षरा। बहुत खुशी इस बात की है कि सारे बच्चे वीडियो को कमेंट्स में आप जवाब दे रहे हो, ये बहुत खुशी की बात है। मिताक्षरा पुस्तक को लिखने वाले थे वी ज्ञानेश्वर। कौन थे भैया जी? वी ज्ञानेश्वर। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? अगर मैं बुद्ध चरित्र की बात करता हूं तो वो है भैया आपके आशुघोष जी। नेक्स्ट देखो, शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? शिल्पाधिकारम के राइटर कौन है? तो भैया आपका जवाब हो जाएगा इलांगो अडिंगल। नेक्स्ट देखिए, एक पुस्तक है जिसका नाम है राज तरंगनी, इस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास लिखा है। क्या लिखा दोस्तों? कश्मीर का इतिहास। आपको बताना है इस पुस्तक के राइटर कौन है, राज तरंगनी पुस्तक के राइटर कौन है? तब दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा सर जी कलहन। अगर आपसे पूछूं अबुल फजल ने कौन सी किताब लिखी है? आईने अकबरी। कौन सी लिखी है बच्चों? आईने अकबरी लिखी है। नेक्स्ट देखो, तिरुकुलर एक किताब है जिसका नाम है तिरुकुलर, इसे तमिल भूमि की बाइबिल माना जाता है, इसके राइटर कौन है? जरा अगर अच्छी तैयारी है तो जवाब दे दो बच्चों, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो जवाब दे दो। अगर आप लोगों की अच्छी तैयारी है सवाल को देखकर तो आप बता दीजिएगा, नहीं बता पाओ ना तिरुवल्लर साहब। नेक्स्ट, स्वपनवास दत्ता के राइटर कौन है? कालिदास, भास, भवभूति, राजशेखर।
तो दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा भास। नेक्स्ट देखिए, गीत गोविंद भैया पेपर में आ सकता है, गीत गोविंद पेपर में आ सकता है। बोलो भैया, गीत गोविंद पेपर में आ सकता है। सर जी राइटर कौन है? जयदेव। गीत गोविंद राइटर है जयदेव। नेक्स्ट, महाभारत के रचयिता कौन है? इसका तो जवाब दे ही दो बच्चों। महाभारत के रचयिता कौन है? इसका जवाब तो दे ही दो। महाभारत के रचयिता कौन है? तो भैया महाभारत के रचयिता मेरे प्यारे साथियों आपके वेद व्यास जी। नेक्स्ट, रामायण के रचयिता कौन है? अगर मैं रामायण के रचयिता पूछ रहा हूं तो बच्चों आप लोगों ने बताया सर महर्षि वाल्मीकि जी हैं। नेक्स्ट देखो, रामचरितमानस के राइटर कौन है? रामचरितमानस, रामानंद, शंकराचार्य, तुलसीदास, कबीरदास। आज ये लाइव की पहली ऐसी क्लास होगी जिसमें मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ। ये पहली ऐसी क्लास होगी जिसमें मैं बहुत तेज क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है मेरी और कोई ऑप्शन मेरे पास में नहीं है। चलो बच्चों आंसर आ गया आपका तुलसीदास जी। नेक्स्ट, शाहनामा के राइटर कौन थे? सर शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी, जो कि आपके महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। अगला देखिए, बाबरनामा या तुजुर के बाबरी, इसे किसने लिखा है? बाबर की ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है बाबरनामा या तुजुर के बाबरी, जिसे चगतई तुर्की भाषा में लिखा गया है। ये ध्यान रखना, इसे बाबर ने स्वयं लिखा है। बाबर बोला रहने दो भाई, कोई ना लिखेगा हमारी ऑटोबायोग्राफी तो हम खुद लिखेंगे, समझ रहे हो ना? अगर पासपोर्ट नहीं बनेगा क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा? जाएगा जाएगा। अगला देखिए, अगला सवाल है, किताब उल हिंद के राइटर कौन थे? किताब उल हिंद के राइटर कौन थे? तो भैया जी किताब उल हिंद के जो राइटर थे वो थे अलबरूनी। नेक्स्ट, हुमायूं नामा को किसने लिखा है? जवाब तो दे दो बच्चों, मेरा भी थोड़ा दिल खुश हो जाए कि सर हुमायूं नामा के राइटर कौन थे, हुमायूं नामा के राइटर कौन थे? तो भैया हुमायूं नामा के राइटर कौन, बच्चा बताएगा? हुमायूं नामा के राइटर कौन थे? हुमायूं नामा के राइटर कौन थे? जल्दी बोलो बच्चा। अगर मैं हुमायूं नामा के राइटर की बात कर रहा हूं, नूरजहां, हुमायूं, रजिया सुल्तान, कौन थी बताओ? मेरे दिल के टुकड़ों, चलान कट गया क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। सही ऑप्शन आएगा सी, और सी में कौन है? हुमायूं की बहन हुआ करती थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। क्या नाम था भैया? गुलबदन बेगम, ये इनका नाम था। तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और सही नाम है गुलबदन बेगम, ये हुमायूं की बहन हुआ करती थी। अगला देखो, अकबरनामा या आईने अकबरी, इसे किसने लिखा था? सबसे पहले आपको बता दूं, इस किताब को लिखने में 7 वर्ष का समय लग गया था। इस किताब को लिखने में 7 वर्ष का समय लग गया था, और लिखने वाला था अबुल फजल, लिखने वाला था अबुल फजल। पद्मावती किताब के राइटर कौन है? पद्मावत। बोलो बच्चों, पद्मावत। पद्मावत किताब के राइटर कौन है? अगर मैं पद्मावत की बात करता हूं तो सर वो है मलिक मोहम्मद जायसी, वो है आपके मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट देखिए, गीत गोविंद, सर ये तो हो चुका है। अगला देखिए, अगला है, लावणी भारत के किस राज्य में होने वाला लोक नृत्य है? लावणी भारत के किस राज्य में होने वाला लोक नृत्य? पेपर में न जाने कितनी बार आ चुका है ये सवाल, न जाने कितनी बार कि बताइए लावणी भारत के किस राज्य में होता है। अगर मैं लावणी की बात करता हूं तो दोस्तों ध्यान रखना, लावणी होता है महाराष्ट्र में, लावणी होता है महाराष्ट्र में, रंगोली होता है महाराष्ट्र में, तमाशा होता है महाराष्ट्र में। अगला झोरा, अगर झोरा की बात करूं तो झोरा हो रहा है अपने यूपी में। अगला देखिए, रऊफ कहां हो रहा है फिर? अगर मैं रऊफ की बात कर रहा हूं, अगर मैं रऊफ की बात कर रहा हूं तो ये कितने होंदा भैया? तो भाई रऊफ हो रहा मेरे प्यारे साथियों कहां पर? सर जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये राज्य नहीं है, ध्यान रखना। अगला देखो, हिकत कहां का लोक नृत्य है? जो ज्यादा पूछे जाते हैं उनको मैंने ज्यादा रखा है, मतलब डांस ज्यादा आ रहे हैं तो डांसों को ज्यादा भी रखा है। अगर हिकत की बात करूं तो सर ये भी आपके जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। अगला देखिए, घूमर भारत के किस राज्य? इस सवाल से एसएससी को प्यार है, इस सवाल से एसएससी बहुत प्यार करती है बच्चों, बहुत प्यार, बे इंतहा प्यार करती है। प्यार व्यार सब धोखा है, पढ़ ले बेटा यही आखिरी मौका है। घूमर भारत के किस राज्य में होता है? अगर मैं घूमर की बात करता हूं, अच्छा एग्जाम सेंटर के बाहर बैठी है प्रीति, प्रीति आपके इस मेहनत की, आपके इस लगन और आपकी इस ईमानदारी को मैं सैल्यूट करता हूं। चलो बच्चों, घूमर कहां होता है? तो सर घूमर होता है राजस्थान में। एसएससी सवाल से बहुत प्यार करती है। अगला देखिए, अगला सवाल, अरे यार आंसर क्यों आ गया? अगला देखो, डंडा नटा भारत के किस राज्य में होता है? अगर मैं डंडा नटा की बात करता हूं तो सर उड़ीसा में होता है। कांवड़ी भारत के किस राज्य में होने वाला लोक नृत्य है? कांवड़ी भारत के किस राज्य में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है? अगर मैं कांवड़ी पर लेकर आ रहा हूं बच्चों तो जवाब आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों तमिलनाडु। नेक्स्ट, बसंत, बसंत भारत के किस राज्य में होने वाला एक लोक नृत्य है? चलो भैया
अब टारगेट 5000 को कर लेते हैं जल्दी से फटाफट मेरे प्यारे साथियों, इस क्लास का हाईएस्ट हो जाएगा ये, फटाफट कर लो। बसंत भारत के किस राज्य में होता है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट गंभीरा, गंभीरा भारत के किस राज्य में होता है? आप लोगों को बता रहा हूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि गंभीरा भारत के किस राज्य में होता है, गंभीरा भारत के किस राज्य में होता है? तो भैया ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड या राजस्थान? तो दोस्तों ये होता है कहां पर? सर पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट देखिए तमाशा, ये मेरे लिए इंपोर्टेंट बनता है, ये मेरे लिए इंपोर्टेंट बनता है बच्चों, तमाशा और रंगोली। तमाशा और रंगोली ये दोनों पेपर में आते हैं, और ये होते कहां पर है? सर ये महाराष्ट्र में होते हैं, तमाशा हो या रंगोली दोनों महाराष्ट्र में आते हैं। अगला देखिए, अगला सवाल है गिद्धा, ये कितने होता है? जो गिद्धा किया जाता है बच्चों ध्यान रखिएगा, वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और ये होता है पंजाब में, ये होता है पंजाब में, ये सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अब बच्चों आप लोगों को तो पता है महिलाओं के गीत हो या महिलाओं के नृत्य हो वो अलग ही है, सब कुछ अलग। अगला देखो, अगला सवाल है रासलीला, रासलीला कितने होती है भैया? देखो रासलीला कितने होती है, तो रासलीला मैं आपको बताना चाहूंगा भैया, रासलीला अपने यूपी बिच होती है, कितने होती है? रासलीला अपने यूपी बिच होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए कहां पर? यूपी में, ठीक है। अगला देखो, अगला है घोड़ो, किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? अगर मैं घोड़ों की बात कर रहा हूं तो किस राज्य का लोक नृत्य, जल्दी बोलो दोस्त, हर तरीके का सवाल पेपर में जाने से पहले आप लोग करके जाओगे। मैं बच्चों अब आपको पहले 10 अनुच्छेद बताओ, सबसे पहले मैंने बोला ना कि अनुच्छेद भी कराऊंगा, आओ जरा अनुच्छेद की तरफ बताओ मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना लोकसभा किस आर्टिकल में आती है, लोकसभा किस आर्टिकल में आती है, जवाब दो जरा। अगर मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, चलो ठीक है, अब तुम्हारा टेस्ट हो जाए 10 आर्टिकल पर, लोकसभा किस आर्टिकल में आती है? तो बच्चों मैंने एक लाइन बताई थी आपको, सरला, सरला संसद राज्यसभा लोकसभा 79 80 81, आंसर ये रहा, याद रखना पेपर में तुम्हें मेरी बहुत सारी ट्रिक मिलेंगी। अगला देखिए, राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में है, राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में है, ये आपने बताना है। दो आर्टिकल है जो राज्य की परिभाषा से जुड़े हुए हैं, एक 12, एक 12 है और एक आपका 36 है, जो ऑप्शन में हो ये रहा ऑप्शन। अगला देखिए सवाल नंबर, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट सवाल करा कैग किस आर्टिकल में, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, बहुत बढ़िया भैया। मैं इतना तो जरूर कहना चाहूंगा, जो भी यूपी वाले बच्चों के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ है, हर संभव प्रयास करेंगे और हमारी टीम हर समय तुम्हारे साथ खड़ी है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, आज का दिन गुजर जाए बस ये यूपी पुलिस वाले बच्चों जो हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं बच्चों जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि हमारा छात्र खुश है तो हम खुश हैं, अगर वो दुखी है तो फिर अपने पढ़ाने और पढ़ाने का कोई वादा नहीं है। कैक की अगर बात करूं तो 148 से लेकर 151 तक कैक की चर्चा की गई है, 148 से लेकर 151 तक कैक की चर्चा की गई है। अगला देखो, राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य किस आर्टिकल में दिए गए हैं? चलो बच्चों आज आप लोग मेरे लिए जान लगा दो, थोड़ी सी मेहनत कर दो बस, 110% कुछ ना कुछ आप नया सीख कर जाओगे। अगर बात कर रहा है प्रधानमंत्री के कर्तव्य तो सर वो है 78 में, अगर प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात कर रहा तो सर वो है 78 में। अगला देखिए सवाल नंबर, नेक्स्ट कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान था, कि नागरिकता किसको दी जाएगी, अब ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर मैं नागरिकता की पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे जुड़ जाना बच्चों, ठीक है ना, तो आपको बताना है कि मेरे प्यारे साथियों नागरिकता का प्रावधान, सर कौन सा टेलीग्राम है, SSCGD 247 के नाम से मिल जाएगा आपको भैया, आपको बता दो नागरिकता 5 महाभियोग 61, महाभियोग 61 बच्चों। अगला देखिए सवाल नंबर, नेक्स्ट राष्ट्रपति है, अच्छा राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त किस आर्टिकल में है, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त किस आर्टिकल में दी गई है, 41 में, 70 में, 91 में, 59 में, कहां पर दी गई है, जवाब दिया जाए जल्दी बच्चों, फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए तो दोस्तों तब आप लोगों का जवाब आ जाएगा, सर ये दी गई है 59 में। नेक्स्ट देखिए, संसद की सदस्य के योग्यता के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है, संसद के सदस्य की योग्यता कौन सा आर्टिकल बता रहा है, सर आपका जवाब हो जाएगा आपका 84। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है, अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन किस आर्टिकल में मेंशन की गई है, तब बच्चों ध्यान रखना सर वो की गई है आपके 58 में, वो की गई है आपके 58 में। नेक्स्ट देखो बच्चों, राज्यसभा का एक सभापति और उपसभापति होंगे, इनकी चर्चा कहां पर की गई है,
राज्यसभा के सभापति और एक उपसभापति होंगे। इनकी चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? 89 में। लोकसभा अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, इनकी चर्चा की गई है बेटा आपके 93 में। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल है आपसे, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में है? उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस आर्टिकल में है? थोड़ा तेज बोलना पड़ रहा है यार। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस आर्टिकल में? 66 में। अगला देखो, मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा आर्टिकल यूज होता है? आप लोगों को हर टॉपिक का सवाल करवा दूंगा बेटा, हर टॉपिक का। ये रहा आपका 43। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता किस आर्टिकल में आती है? 76, 96, 57, 37। तब आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर 57। क्या जाएगा बच्चों? 57। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख किया गया है? बच्चों एक बार सारे बच्चे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं है, संसद के सदन की जो अवधि का उल्लेख है वो किया गया आपके 83 में। अच्छा एक डांस बच्चे ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पता नहीं कहाँ से किया है कि सर आपने घूमर गलत बता दिया। घूमर कहाँ होता है बच्चों? मैंने राजस्थानी तो लिखवाया आपको। अगर मैं घूमर की बात करता हूँ तो मैंने आपको राजस्थानी तो बोला है, तो इसमें क्या गलत है? आप चेक कर लो जरा एक बार। लोकेश जी थैंक यू सो मच, लोकेश पंडित जी। अगले पर देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है? तो राष्ट्रपति की शपथ का जो उल्लेख किया गया बच्चों वो आपका 60 में किया गया है। कहां पर किया गया है? 60 में किया गया है। अगला सवाल देखिए, आपको बताना है वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट की चर्चा किस आर्टिकल में है? बजट की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आएगा आपके 112 में की गई है। बजट के स्थान पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चर्चा की गई है 112 में। अगला देखिए, अगला सवाल है कि ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? अगर मैं ओजोन दिवस की बात करता हूं तो सर ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये कब मनाया जाता है बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की अगर बात करूं तो दोस्तों ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। अगला, कौन सा दिवस जो मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया जाता है? मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो बच्चों आपका जवाब आ जाएगा सर 19 अगस्त। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर ये मनाया जाता है आपका 18 जुलाई को। नेक्स्ट, आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस एक नंबर जरूर आएगा आपको यहां से, तो सर ये मनाया जाता है आपका 17 जुलाई को। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? ये वो लड़की है बच्चों मलाला, जिसकी किताब भी थी आई एम मलाला, जिसे सबसे कम एज में नोबेल प्राइज मिला था। इसे सबसे कम एज में नोबेल प्राइज मिला था बच्चों। और कब मनाया जाता है सर जी? 12 जुलाई को। अगला, जनसंख्या दिवस के रूप में, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में कौन सा दिवस दिन मनाया जाता है? तो सर जुलाई 11। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा सर 29 जून। नेक्स्ट, आपको बताना है 21 जून 2023 को
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया था? कौन सा संस्करण मनाया गया था? तो बच्चों आप लोग कहोगे सर जी नोवा। नेक्स्ट, रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तब बच्चों आप लोगों का जवाब आएगा सर 14 जून को। नेक्स्ट देखो, आपको बताना है महासागर दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? महासागर दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो आप लोगों का जवाब आएगा 8 जून। नेक्स्ट देखिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 7 जून को। नेक्स्ट देखो, पर्यावरण दिवस, ये आप लोग बताओ जरा कमेंट्स करके, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? जल्दी बोलो बेटा, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? भारत के पड़ोसी देश बताओ बिना ऑप्शन के, भारत के पड़ोसी देश बताओ बेटा बिना ऑप्शन के। आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? अब वही बच्चा रुक पाएगा क्लास में जिसमें दम है, इस क्लास में अब वही रुक पाएगा जिसमें दम है। दम नहीं है तो क्लास छोड़कर भाग जाएगा, कहेगा गुरु जी ऑप्शन तो है ही नहीं, ऑप्शन तो है ही नहीं, जबकि मैं तो आज बिना ऑप्शन के क्वेश्चन लेकर आया बेटा। आपसे गुजारिश है, जिन बच्चों का पेपर आज के बाद है, मतलब कल के बाद है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पेपर आज या चलेगा, 20 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक चलेगा। आपके 47 लाख बच्चे हैं, आप लोगों को बता दूं, अगर आप जीएस से डर रहे हो तो मेरे कहने से काम कर लेना। अगर आप जीके प्लस जीएस से डर रहे हो तो दोस्तों एक किताब है मेरी, पीएम पॉकेट बुक, पीएम पॉकेट बुक प्लस स्टैटिक जीके, इन दोनों को मैंने आज मात्र 49 रुपए में कर दिया है। इन दोनों की ई बुक मैंने 49 रुपए में कर दी है, ताकि आप लोग पढ़ सकें, ताकि आप लोग पढ़ सकें, क्योंकि ये किताब 99 की थी और ये 200 की थी, मतलब 175, दोनों किताब 274 रुपए की थी, लेकिन नहीं आप लोग पढ़ सको तो तुम्हारे लिए मैंने मात्र कितने का, 49 रुपए का कर दिया है। अरे कोई दिक्कत है बच्चों? हर गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सके, वो भी बच्चा कह सके गुरु जी मैं जब तो नहीं दे सकता था पैसे, अब पेपर का समय आ गया, कुछ तो ऑफर दे के ताकि मैं पढ़ सकूं 49 रुपए में। लिंक लगा हुआ है, लिंक लग रहा है बेटा, आपको कुछ नहीं करना, Y367S कोड लगाकर परचेज कर लेना। अब ये मत कहना कि गुरु जी आज भी प्रचार कर रहे हो, पेपर है हमारा तो कल, मैंने तो नहीं कहा कि आपको लेना है, मैंने सिर्फ ये बोला कि अगर कोई बच्चे को जीएस से डर लग रहा है, अगर किसी बच्चे को जीएस से डर लग रहा है तो वो जुड़ जाना, बाकी मर्जी आपकी है ना। तो सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है सर? अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। अगला देखिए, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की जो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है दोस्तों, वो लगती है बांग्लादेश के साथ। वो किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। अगला देखा जाए, अगला सवाल आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा क्या कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम रेखा क्या कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम रेखा क्या कहलाती है? जवाब दो बच्चों। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर जो बच्चा कह रहा कि गुरु जी जीके से डर लग रहा है प्लस स्टैटिक जीके से डर लग रहा है, अरे मेरे कहने से आप इन किताब को याद कर लो बच्चो, मैं आपको दे रहा हूं मात्र 49 रुपए में, दोनों किताब की ई बुक आपको मिल रही है Y367S कोड लगाने पर। जो बच्चा इस 49 रुपए वाले ऑफर में आना चाहता है वो एक बार कमेंट कर दो Y367S, क्या कर दो बच्चों Y367S, ये एक बार कोड लिख दीजिएगा जो भी बच्चा लेना चाहता है। अरे बच्चों किसी का भला हो जाएगा, मान लो बैच नहीं ले पाया और उसका पेपर 8 दिन बाद है, 8 दिन तक मैं तो यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, 8 दिन तक मैं तो यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। लेकिन बच्चों प्लीज आप लोग इस किताब के साथ जुड़कर अपनी तैयारी में 4 चांद लगा लेना, एक बार कमेंट कर दो Y367S जो भी लेना चाहता है। आंसर आ गया भैया LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। अगला देखिए, अगला है भारत का वह भूभाग जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है। Y367S, Y367S, ठीक है,
लिंक लगा हुआ, जाके फटाफट परचेज कर लो, जिसको लेनी है ऑफर खत्म हो जाएगा। लिंक लगा हुआ, जाके परचेज कर सकते हो आप लोग। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है सर, वो है आपका पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, पाक अधिकृत कश्मीर, ऐसा कश्मीर जिस पर आज पाकिस्तान का कब्जा है। अगला देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा पुल है। यूपी का पेपर फिर से होगा, 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 चिंता मत करो बच्चों। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा पुल है? तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में आदम का पुल है। कौन सा है? भारत और श्रीलंका के बीच में आदम का पुल है, याद रखना, भारत और श्रीलंका के बीच में आदम का पुल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है, बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? भारत का ऐसा राज्य जिसे बांग्लादेश ने तीन तरफ से घेर रखा है, जवाब दो भैया। जो भी बच्चा परचेज करना चाहे, अरे गैला गैल, मतलब उधर परचेज करोगे तुम्हारे मोबाइल में ओपन हो जाएगी, लिंक लगा हुआ है, लिंक लगा हुआ, जाके परचेज कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि ऑफर खत्म हो जाए। 49 रुपए में दोनों किताबों की ई बुक मिल रही है आपको। तो भैया आप लोगों को बताना है कि कौन सा राज्य जिसे तीन तरफ से घिरा हुआ है, वो है आपका त्रिपुरा, वो आपका त्रिपुरा, याद रखना भैया। अगला देखो, अगला सवाल आता है कि भारत के दक्षिण में कौन सा देश है? भारत के दक्षिण में कौन सा देश है? बच्चों अगर मैं दक्षिण की बात करता हूं तो यहां पे आपको पड़ेगा कौन सा? श्रीलंका। यहां पे पड़ेगा आपका श्रीलंका, ये रहा भैया, यहां पे आपका पड़ेगा श्रीलंका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है, भारत के पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है? भारत के पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है, ये आपको बताना है। बच्चों पड़ोसी देश की जब बात की जा रही है तो आप लोगों को क्या हो गया? किसका लगा हुआ है ये? भारत देख ले, मेरे को जानकारी नहीं है। भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश कौन सा है? तो दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान। अगला देखिए, भारत के जलीय सीमा से लगे हुए दो देश कौन से हैं? अगर बात करूं दो देश, तो दोस्तों एक हो जाएगा आपका श्रीलंका, एक हो जाएगा आपका श्रीलंका प्लस दूसरा हो जाएगा आपका मालदीव। एक हो जाएगा आपका श्रीलंका, दूसरा हो जाएगा आपका मालदीव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों, चलिए फर्स्ट क्लास। अगला क्वेश्चन, हेलो, दो मिनट, ठीक है आप लाइव आ जाओ, तुरंत आ जाओ ना। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला है कि भारत के स्थलीय सीमा से लगे हुए सात पड़ोसी देश कौन से हैं? अगर मैं सात पड़ोसी देश की बात करता हूं तो मेरे बचपन का सपना, मेरे बचपन का सपना, BCPN का सपना, क्या करने का? MBA करने का। तो बच्चों देखो, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, इनसे सीमा लगती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, बताओ तो जरा भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? चलिए इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो हमारा SSC वाला टेलीग्राम पे, अब से ठीक एक घंटे बाद इसकी PDF वहां अपलोड हो जाएगी। कभी आप कहने लगो गुरुजी अभी PDF, तो अभी मिलेगी नहीं, ये ध्यान रखना। तो भैया निकटतम पड़ोसी देश है आपका श्रीलंका। अगला देखो, भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, बताइए जरा। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये है आपके बांग्लादेश तथा म्यांमार। नेक्स्ट देखो, आपको बताना पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये आपकी 18 है। कितनी? 18 है। अगले पर आओ, अगला कहता है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है वो क्या कहलाती है बच्चों, ये आपने बताना है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है, सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो कि सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इतना छोटा सा काम आपने करना है। इसमें भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है यार। भारत और चीन के बीच जो बाउंड्री है वो क्या कहलाती है सर? मैकमोहन। वो क्या कहलाती है? मैकमोहन कहलाती है। अगला देखो, अगला सवाल है बच्चों, भारत व श्रीलंका को अलग कौन करता है? भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है? अब मुझे जरा ये बताओ, आप में से कितने बच्चे चाहते हैं सर इस क्लास का Part 2 कल कराया जाए? Part 2 कल सुबह 6 बजे, क्योंकि ये जरूरी थोड़ी है, सारे बच्चों का पेपर आज ही थोड़ी होगा, है? सारे बच्चों का पेपर आज ही थोड़ी है। तो बच्चों Part 2 कल कराऊं, और आज जो पेपर आएंगे उनके क्वेश्चन आपको कल कराऊं। तो मेरा प्लान सही हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो PM। अगर मेरा कमेंट प्लान सही है कि हाँ गुरुजी इसका Part 2, और दूसरा जो आज क्वेश्चन आएंगे सारे स्टैटिक GK के, कल क्वेश्चन आप हमें बताओगे। तो तैयार हो बच्चों?
तैयार हो? तो ये सब मैं आपको कल कराने वाला हूँ, सारे बच्चों को बता दूं कल ये मेरा प्लान है, मैं आपको ये सारी चीजें कराऊंगा। घबराना मत, डरना मत, मैं आपके साथ हूँ। घबराना मत, डरना मत, मैं आपके साथ हूँ। बच्चों मेरी किताब का लिंक लगा हुआ है, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, बाकी मर्जी आपकी है। लेकिन आज आप लोगों को करना क्या है वो सुनो जरा, आज आप लोगों को करना क्या है थोड़ा सा ध्यान से सुनना बेटा। ओए होए, सारे के सारे बच्चे पहले मेरी बात सुन लो, करना क्या है, मेरा प्लान कैसा पहले कमेंट करके बताना। आज की क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है, ये जोश जुनून और उमंग बच्चों अच्छा लगा तो मुझे एक बार जरूर बताइएगा और कमेंट करना आज की क्लास के लास्ट में कि क्लास कैसी लगी है। बच्चों आप लोगों को कुछ नहीं करना, देखो फिर से आपको बता रहा हूं, ये हमारी क्लास चल रही है। इस क्लास में बच्चों आप लोगों को क्या करना है, ये क्लास चल रही है, इस क्लास की साइड में मेरा यहाँ लिंक लगा हुआ है स्टैटिक जीके का, ये किताब का लिंक लगा हुआ है बच्चों, मात्र 49 रुपए में, 50 रुपए में आपको मिल जाएगी, जैसे जिसके पास कॉइन्स होंगे वैसे मिल जाएगी आपको। बस कुछ नहीं करना, बाई नाउ पे जाना और कोड लगाना Y367S, जैसे लगाओगे तो तुरंत आपको ये, नहीं नहीं ये वाली नहीं, ये वाला नहीं बेटा, ये वाला नहीं, ये गलत लिंक लग गया गलती से, मैं आपको बता रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना, यहां जाओ जीडी पर आओ, आप जीडी पर आना बेटा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूं, जीडी पर आना और बच्चों यहाँ ई बुक को सिलेक्ट करना। देखो ये रही ई बुक, ये रही ई बुक, ये 55 रुपए में दिखाएगा, देखो ये रहा ई बुक है 55 रुपए। आप यहां पर जाओ और लगाने के बाद बेटा अब आएगा अप्लाई, अब होगा, अब कोड लगाओ Y367S, अब क्या करना, ये 53 रुपए में मिल जाएगी आपको 50 में, ये कितने की मिल जाएगी आपको, 50 की मिल जाएगी। फटाफट जाओ परचेज कर लो, फटाफट जाओ परचेज कर लो, ये दो किताबों का सेट है बेटा, ये वाला देख लो आप, ये दोनों किताब आपको 53 में मिल जाएंगी आज, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। अब सुनो अगली कहानी क्या करनी है, अगली कहानी सारे बच्चों को अब कहां जाना है, देखो भैया अपना भाई क्लास ले रहा है, आपको बता दूं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, देखो एक क्लास चल रही है हमारी, कहां गए अक्षय सर, कहां हो, ये देखो अक्षय सर की क्लास चलने वाली है, मैं इस क्लास में आ रहा हूं जरा जल्दी से एक बार, अक्षय सर आप लाइव आ जाओ जल्दी फटाफट। ये देखिए ये क्लास है सर की जो बहुत जल्दी चलने वाली है, सारे बच्चे आकर यहाँ एक बार कमेंट्स करो कि गुरुजी मैं भी आ रहा हूं, यहाँ पे आके एक बार कमेंट करो, मैं भी लिख रहा हूं। ओहो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, ये अक्षय सर की क्लास है जल्दी फटाफट आ जाओ, ये लाइव क्यों नहीं कर पा रहे हैं यार सर, मैं एक बार देखो आपके सामने कॉल करता हूं अक्षय सर को, मैं कॉल करता हूं भाई जल्दी से लाइव आ जाओ, सारे बच्चे एक बार कमेंट कर दो कि सर मैं यहां पे लिख दो पीएम, पीएम लिख दो ताकि पता लग जाए कि हाँ हम पवन सर की कहने से क्लास में आए, जल्दी से फटाफट जल्दी कर दो भैया, जल्दी से सारे बच्चों को कमेंट्स कर देना है यहां पे, जल्दी जाइए अक्षय सर की क्लास में कि मैं भी आ गया हूं, मैं भी आ गया हूं, मैं भी आ गया हूं, जल्दी कर दो यहां पे कमेंट जाके कि भैया मैं भी आ गया हूं, मैं भी आ गया हूं, मैं भी आ गया हूं, आप सभी लोगों का वेट कर रहा हूं, जल्दी जाइए फटाफट बहुत चाहिएगा। अक्षय सर जल्दी से एक बार स्टार्ट कर दीजिएगा किताब को क्योंकि बच्चे पहुंच गए हैं। दोस्तों बस अक्षय सर क्लास लाइव करने वाले हैं, फटाफट जल्दी से कमेंट्स करो कि मैं आ गया हूं, सर स्टार्ट करो ना, अरे यार नहीं जल्दी जब तो छोड़ू, बच्चे पहुंच गए सब, भाई देखो लाइव आने वाले हैं सर, एक मिनट रुक जाओ, बस कमेंट कर दो सारे बच्चे जाके कि पीएम सर, पीएम सर, पीएम सर, पीएम सर, अब पीएम का मतलब तो सारे बच्चे समझ ही जाओगे ना पीएम क्या है। और दूसरी बात और सुन लो बच्चों, आज दूसरी बार और सुन लो कि आज आपका क्या होगा, ये देखो लाइव में जाना और आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, आज 9:45 पर, आज 9:45 पर तुम्हारी टीम तुम्हारे लिए एग्जाम का एनालिसिस लेकर आ रही है, तो सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको भी जाकर एक बार लाइक कर देना, एग्जाम एनालिसिस है बेटा आज, इसको भी जाकर एक बार लाइक कर देना, बाकी मैं आप सबका स्वागत करूंगा और फर्स्ट क्लास तरीके से आपको लेकर चलूंगा शानदार तरीके से। ठीक है भैया, तो चलो ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिएगा। बच्चों आपको कुछ नहीं करना, मैं फिर से बता रहा हूँ, पीएम पॉकेट बुक जो मिलेगी आपको, ये कैसे मिलेगी वो देखो, आपको कुछ नहीं करना है, स्टोर पर जाना, जीडी पर चले आना,
जब जीडी पर आओगे तो बच्चों आप यहां देखो ई बुक वाले ऑप्शन में जाना, इस ई बुक वाले ऑप्शन में जब जाओगे तो यहां पर लिंक पर आ जाना, यहां 55 रुपए की दिखाएगा, बस कोड लगा देना Y367S और ये आपको 53 रुपए की मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।